अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सेट होंगे। तो मैं जो आज एक टॉपिक लेके आया हूँ, जो कि वो सबका ही टॉपिक है, आजकल यही फैला हुआ है कि YouTube बैन हो रहा है या नहीं आ रहा, नहीं हो रहा, YouTube शुड बी बैंड और नॉट। आजकल यही सारे हैं कि यार बैन हो गया तो क्या होगा और बैन नहीं होना चाहिए। बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं जो हम लोग को समझ आ रहे हैं कि बंद हो गया तो बहुत चीज़ें नुकसान होंगे और कि ये फेक न्यूज़ है, क्योंकि पता नहीं, शायद फेक न्यूज़ है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने खैर कहा तो है कि हम इसको कुछ दिन के लिए बंद कर रहे हैं और अभी नहीं पता कि कब कब बंद कर रहे हैं। खैर, मैंने इस पे कुछ डिस्कस करना था कि जब बंद होगा तो क्या मसला होगा और क्या क्या चीज़ें होंगी। तो सिंपल सी चीज़ें हैं भाई, जब बंद होगा तो फिर लोगों की तो फुल पैक होगी, क्योंकि जनाब लोग बहुत कमा रहे हैं इससे और बहुत अच्छी चीज़, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है कि बाहर से पैसा इधर डॉलर्स में आप लोग कमाते हैं, मतलब, और बहुत अच्छी एक प्रोसेस है ये कि लोग इससे काफ़ी अर्न कर रहे हैं और लोगों ने पूरी पूरी टीम बनाई हुई है। जैसे कि बहुत सारे यूट्यूबर्स को ये बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा कि अब क्या वो करेंगे, क्योंकि वो लोग प्रॉपर्ली इस काम को यूज़ कर रहे हैं और कुछ वो करते नहीं हैं, तो प्रॉपर्ली वो कर ही ये रहे हैं कि यूट्यूब का चैनल चला रहे हैं और बहुत सारे बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं जो जिनके ऊपर ये बड़ा मसला होगा, क्योंकि वो खाली ख़ुद नहीं कमा रहे, वो उन्होंने पूरी टीम बनाई हुई है। टीम एज इन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि टीम इस तरह बनाई हुई है कि जब उन्होंने शुरू किया है तो वो एक एक बंदा होता है और फिर उसके बाद जब वो थोड़ा सा ग्रो कर जाता है तो फिर उसके बाद काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं। फिर उसके बाद जब वो ग्रो करता है तो वो अपनी टीम पूरी रख लेता है कि इक्विपमेंट की टीम होती है, वीडियो की अलग टीम होती है, तो उसमें वो यूट्यूब से ही कमाता है और फिर अपने अंडर जितने भी लोग हैं उनको भी वो पैसे देता है। तो एक तरह से बड़ी अच्छी बात है, लोगों की लोगों को पैसे मिल रहे हैं और उससे अर्न कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी तरह फिर वो लोग काम करते हैं। दूसरी चीज़ जो है वो यूट्यूब की प्रोजेक्शन जो थी पैसों की, वो थी तकरीबन $400 मिलियन की प्रोजेक्शन है, जिस जो कि बहुत बड़ी अमाउंट है। बेसिकली आई थिंक 67 बिलियन रुपीज़ जो हैं वो प्रोजेक्शन है। तो बस मैं यही कह रहा हूँ कि आप लोग बताएं फिर कि YouTube भी बंद होगा या नहीं होगा, ये एक अफवाह फैली हुई है क्या है। दूसरी चीज़, YouTube से बहुत लोगों को फ़ायदा हो रहा है, जो जो लोग चीज़ें सीखना चाहते हैं, इवन के सिंपल चीज़ें हैं जो कि आप सीख सकते हैं YouTube से, और इतनी ज़्यादा स्किल्स आप YouTube के थ्रू सीख सकते हैं और लोग सीख रहे हैं और अपने काम को बहुत अच्छी तरह उसको यूज़ कर रहे हैं उसके थ्रू, YouTube के थ्रू सारे सॉफ्टवेयर्स जितने भी हैं, बड़े बड़े सॉफ्टवेयर्स, और उससे बहुत लर्निंग होती है। YouTube जो है, मैं तो कहता हूँ कि एक पूरा टीचिंग के लिए भी बेहतरीन चीज़ है। आपको बस आप YouTube में जो मर्ज़ी आप लिखें और आपको सामने A to Z हर चीज़ ट्रेनिंग, कोई किसी चीज़ की भी आपको ट्रेनिंग चाहिए, आपके सामने आपको हर चीज़ की ट्रेनिंग मिल जाएगी। पूरे पूरे उनके लेक्चर्स हैं चीज़ों के बारे में कि स्टेप वाइज सब चीज़ आपको बताई हुई है कि ये इस तरह करना है, ये इस तरह करना है। तो ये चीज़ मैं इससे देख रहा था कि ये चीज़ बहुत नुकसान होगा अगर YouTube बंद होगा, क्योंकि मैं ख़ुद YouTube के थ्रू ही काफ़ी चीज़ें सीखता हूँ, मतलब सॉफ्टवेयर वगैरह, एडिटिंग, फोटोग्राफी रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं, इन्फॉर्मेशन वगैरह के लिए भी बहुत ज़बरदस्त चीज़ है कि आपने जो चीज़ लेनी हो कि उससे पहले आप पहले लिखें कि इसके क्या रिव्यूज़ हैं और क्या वो है। आजकल खैर गूगल भी एक अच्छा है कि गूगल से आप देख लेते हैं कि इसके क्या रिव्यूज़ हैं, क्या लोगों ने क्या कहा है, लेकिन आजकल लोग वीडियो देखना ज़्यादा पसंद करते हैं
क्योंकि वो रियलिटी बेस्ड होती है कि लोगों ने कैसा कैसे यूज़ कर रहे हैं चीज़ें और किस तरह क्या क्या इनके रिव्यूज़ हैं। तो बेसिकली एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, प्लेटफॉर्म है यूट्यूब के, आप इससे काफ़ी चीज़ें सीख सकते हैं। तो दूसरी चीज़ जो मैं बताना चाह रहा हूँ कि इसमें बहुत सारी नेगेटिव और एस्पेक्ट्स भी हैं, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि यूट्यूब इटसेल्फ मतलब हर चीज़ इसमें बेहतरीन है, मतलब हर चीज़ गुड है, मतलब सब चीज़ सेट जा रही है, लेकिन बहुत सारी मैं ये नहीं कहना चाह रहा, इसमें बहुत सारी गलत चीज़ भी हैं, मतलब अगर आपने गलत चीज़ें भी देखनी है तो वो फिर आपके ऊपर है। और बेसिकली सुप्रीम कोर्ट में इसी वजह से कुछ इसको रिव्यू किया है और कुछ चीज़ें हैं जो फिर दे रिव्यू करके कुछ चीज़ें हैं जो वो कह रहे हैं कि इसको थोड़े दिन के लिए हमें बंद करना चाहिए, क्योंकि कुछ वीडियोस वगैरह होती हैं जो कि रिपोर्ट करने के बाद बावजूद भी वो डिलीट नहीं होती और लोग फिर भी इसको देखते हैं और फिर इसके बाद कंप्लेन करते हैं कि भाई ये चीज़ें हैं इसमें। तो मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि यूट्यूब क्या नाम है बंद होगा या नहीं होगा, वो तो अलग बात है, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि सुप्रीम कोर्ट भी गलत है, नहीं बंद नहीं होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट भी अपनी जगह ठीक है, कुछ चीज़ें हैं जो सही नहीं है, जैसा कि बड़े इस तरह के फेक न्यूज़ होती हैं, सामने थंबनेल में लिखा होता है कि ये स्टोरीज़ हैं, जब आप उसको क्लिक करते हैं तो उसमें बहुत अजीब व गरीब वीडियोज़ वगैरह चल रही होती हैं, तो वो मेरे ख्याल से बहुत सारी इस तरह की वीडियोस हैं जो कि वो उसको हैंडल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि लोग बहुत सारे चैनल्स बने हुए हैं जो अजीब अजीब चीज़ें इसमें डालते हैं और उसके बाद खाली व्यूज़ अपने वो गेन करने के लिए अजीब अजीब वीडियोस डालते हैं, सही अपने वीडियोस में मसाला ऐड करके जनाब फुल मस्ती करके उसमें डालते हैं चीज़ें थंबनेल में, और उसके बाद खाली व्यूज़ देने के लिए कि हमारे पास एक क्लिक हो जाए और उसके बाद व्यूज़ बहुत अच्छे से आ जाएँ और फिर उसके बाद हमारा मोनेटाइज हो जाए चैनल और उसके बाद हम फिर गेम ऑन करें। तो ये चीज़ हैं, ये चीज़ें होनी नहीं चाहिए, आदमी को क्रिएटिव होना चाहिए और चीज़ें प्रॉपर तरीके से हर चीज़ डालें और फिर उसके बाद चीज़ें चलाएँ तो सही है, वरना तो लोगों को क्या इम्पैक्ट होगा, यूट्यूबर्स को तो खैर इम्पैक्ट हो गई और भी जो नीचे बेचारे जो लोग इससे इसको प्रॉपरली ही चला रहे हैं और इससे कमा रहे हैं, तो वो उन्होंने अपनी फैमिलीज़ को ही इससे क्या नाम है यूट्यूब के थ्रू चला रहे हैं, अपनी फैमिलीज़ को ही चला रहे हैं, तो इससे उन लोगों को बड़ा फ़र्क पड़ेगा। और क्या नाम है दूसरी चीज़ ये है कि पाकिस्तान को सारे बहुत बुरा कहते हैं, मतलब YouTube के थ्रू काफ़ी पाकिस्तान का एक व्यू जो है वो ठीक हुआ है, पहले पाकिस्तान का व्यू बहुत ज़्यादा ख़राब था कि भाई पाकिस्तान तो बड़ा गंदा है, बड़ा ये है, इसमें बहुत चीज़ें हैं, बहुत फजूल चीज़ें हैं और वो बेसिकली बाहर के लोग बहुत डरते हैं पाकिस्तान से, अभी भी डरते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं बिल्कुल ही सेट हो गया, लेकिन मैं इस तरह कह रहा हूँ कि पाकिस्तान की काफ़ी कुछ चीज़ें हैं, जैसे बहुत सारे ट्रैवलिंग टीम हैं, ट्रैवलिंग चैनल्स बने हुए हैं कि वो अपने पाकिस्तान के काफ़ी चीज़ें खूबसूरत चीज़ें दिखाते हैं और बाकी बहुत सारी चीज़ें मतलब ट्रैवलिंग करने जा रहे हैं, पूरा उसका पूरा वीलॉग बंदा बनाता है और उसके बाद वो अपने चैनल में लगाता है, तो वो बाहर के लोग जब देखते हैं ये सब चीज़ें तो उनको बहुत फैसिनेट करती है और इस वजह से लोग फिर यहाँ आते हैं और उस वजह से एक पाकिस्तान का व्यू जो है वो बहुत अच्छा हो गया है, मेरे ख़्याल से पाकिस्तान का व्यू इसी वजह से बहुत अच्छा हो गया, तो इस वजह से मेरा नहीं ख्याल कि YouTube को बंद होना चाहिए। और बाकी जो चीज़ें हैं आप लोग ख़ुद बताएं कि YouTube बंद होना चाहिए के नहीं होना चाहिए, तो आगे इंशाल्लाह मुझे नीचे कमेंट किएगा कि YouTube बंद होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, और फिर इंशाल्लाह मैं आपको और इस तरह की वीडियोस लाता रहूँगा।